दोस्तों, उसके बारे में जो हम जानते हैं वह केवल एक बूंद है। जो हम नहीं जानते हैं वह एक महासागर है। अंतरिक्ष की गहराइयों को टटोलने वाले आइजक न्यूटन की यह कहावत उन्हीं के जीवन पर सटीक बैठती है। महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक आइजक न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मामूली से परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक ने 16वीं शताब्दी में विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया था। साइंस की दुनिया में इन्होंने कुछ ऐसे चमत्कारी आविष्कार किए कि उन्हीं आविष्कारों की नींव पर आज डीप स्पेस साइंस और रिसर्च का महल खड़ा हुआ है। बचपन में सर पर सेब गिरने से लेकर गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तलाशने तक इस बच्चे की कहानी जीवन के हर पड़ाव पर एक शानदार मोड़ लेती गई और एक नया इतिहास रचती गई। न्यूटन एक आम इंसान न होकर एक किताब की तरह थे जिसके आखिरी और शुरुआती पन्नों को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस किताब के कुछ रोमांचक पन्ने आज भी एक रहस्य है। चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं पन्नों को टटोलते हैं और न्यूटन के जीवन को जरा करीब से जानते हैं। विज्ञान और वैज्ञानिकों की कहानियों में आज भी जिंदा सर आइजक न्यूटन के सफर की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1642 को, जब इंग्लैंड के पश्चिम लिंकोलिनशायर के एक वुल्सथॉर्प गांव में आइजक न्यूटन का जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद ही डॉक्टर ने न्यूटन के ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने के आसारों पर मुहर लगा दी। दरअसल न्यूटन एक प्रीमैच्योर बेबी थे जो कि जन्म से ही बेहद कमजोर थे। उनकी माँ का कहना था कि जन्म के समय वो आकार में इतने छोटे थे कि एक छोटे से मग में समा सकते थे। ऐसे में उनका जीवित रह पाना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन न्यूटन सभी बाधाओं को पार करते हुए एकदम स्वस्थ हो गए। 3 साल की उम्र में न्यूटन की मां ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद न्यूटन अपनी नानी के साथ रहने लगे। उनकी देखरेख का सारा जिम्मा नानी पर आ गया था। दूसरी शादी करने के कारण न्यूटन का अपने मां के प्रति खास लगाव नहीं रहा, क्योंकि उनके पिता दुबले पतले न्यूटन के प्रति खराब व्यवहार रखते थे। अपनी मां न्यूटन द्वारा त्याग किए जाने के अनुभव ने न्यूटन को झंझोर कर रख दिया। बचपन में अकेले के एहसास ने न्यूटन के व्यक्तित्व को बनाया। न्यूटन की अपनी मां के प्रति नफरत इतनी ज्यादा थी कि किशोर अवस्था में न्यूटन ने एक लिस्ट भी बनाई जिसमें उन्होंने अपने पापों का लेखा जोखा लिखा। उस लिस्ट में एक पाप था कि मैंने माता और पिता स्मिथ के घर को जलाने की धमकी दी है। उनकी ये लाइन माता पिता के प्रति दिल में पल रही नफरत को दिखाती है। इन घटनाओं का न्यूटन के जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। एक एडल्ट के रूप में न्यूटन ने अपने आप को पूरी तरह कामों में डुबो दिया। उनकी कोई हॉबीज नहीं थी और ना ही उन्होंने कभी शादी की। यहाँ तक कि सालों तक वे अपनी वैज्ञानिक और गणितीय खोजों के बारे में चुप रहे और दुनिया को इसका आभास तक नहीं होने दिया। उनके इस रहस्यमय व्यक्तित्व को बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनके बचपन का रहा है। 12 साल की उम्र में न्यूटन का एडमिशन इंग्लैंड के ग्रंथम में किंग स्कूल में कराया गया। इंग्लैंड में न्यूटन एक फार्मासिस्ट के घर में रहते थे जिनके पास एक लाइब्रेरी और लैब मौजूद थी। न्यूटन का इस लैब के प्रति एक बड़ा खींचाव रहा है, लेकिन स्कूल में वे बाकी बच्चों की तुलना में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। कुछ करने की चाह न्यूटन में हमेशा जीवित रही। यही वजह रही कि कड़ी मेहनत के बाद न्यूटन स्कूल के टॉप स्टूडेंट बनने में सफल रहे। 15 साल की उम्र में उनकी माँ के विधवा होने पर उन्हें किसान बनने को कहा और पारिवारिक खेती में हाथ बटाने के लिए कहा गया, लेकिन न्यूटन ने खेती की जगह पढ़ाई का रास्ता चुना। आखिरकार न्यूटन की माँ को उनके बेटे के पूर्व हेडमास्टर ने उन्हें स्कूल लौटाने की अनुमति देने के लिए राजी कर लिया। वहाँ अपना शोध कार्य पूरा करने के बाद न्यूटन ने आगे की पढ़ाई के लिए 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं से शुरू हुई न्यूटन के महान वैज्ञानिक बनने की कहानी। सवालों का गुबार तो पहले से ही इस महान वैज्ञानिक के जहन में उमड़ रहा था, लेकिन 1665 में न्यूटन के सवालों को एक नई उड़ान मिली। दरअसल 1665 में इंग्लैंड में भयंकर बीमारी फैलने के बाद यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद हो गए, जिसके बाद न्यूटन घर जाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में न्यूटन एक दिन बगीचे पर बैठे हुए अचानक न्यूटन ने पेड़ से सेब गिरते हुए देखा, जिसके बाद वो जान गए कि वो क्या खोजने के लिए बने हैं। गिरते हुए सेब ने सब कुछ बदल दिया, या फिर यूं कहे कि इस सेब ने विज्ञान की एक नए एरा की शुरुआत की जिसकी नींव न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ ने रखी। सेब के पेड़ से नीचे गिरने की घटना न्यूटन के लिए इतनी बड़ी थी कि उन्होंने इस सवाल के जवाब खोजने के लिए कई वर्षों तक अध्ययन किया और पता लगाया कि जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तब तक वह चीज नीचे आएगी। जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वह चीज वहीं तैरने लगेगी। अपनी खोज के बूते पर न्यूटन ने दुनिया को गति के 3 नियम दिए जिन्हें आज हम 3 लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। साल 1669 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज में एक मैथ्स प्रोफेसर के तौर पर बच्चों को पढ़ाया। आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक थी। हालांकि न्यूटन ने 30 साल तक कैम्ब्रिज में काम किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने में न्यूटन को खास मजा नहीं आता था। यहाँ तक कि बच्चे भी न्यूटन के लेक्चर में कुछ खास रुचि नहीं दिखाते थे। न्यूटन का सारा ध्यान खुद की रिसर्च पर केंद्रित था। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन का एक ऐसा आविष्कार रहा जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस महान वैज्ञानिक ने विज्ञान जगत को कई आविष्कार दिए। इसके लिए कई अजीबोगरीब थ्योरी और प्रैक्टिकल को अंजाम दिया। अपनी ऑप्टिक थ्योरीज के बल पर न्यूटन ने एक टेलीस्कोप डिजाइन किया। इस टेलीस्कोप में न्यूटन ने लेंस की जगह शीशों का इस्तेमाल किया और ताकतवर उपकरण को बनाया जो उस समय इस्तेमाल होने वाले टेलीस्कोप के आकार से 10 गुना छोटा था। जब लोगों को न्यूटन के टेलीस्कोप के आविष्कार का पता चला तो वो वैज्ञानिक और इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के बीच मशहूर हो गए।
इस लोकप्रियता ने न्यूटन को अपने लाइट और कलर एक्सपेरिमेंट को रॉयल सोसाइटी के सामने रखने की हिम्मत दी। इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी बुद्धिजीवी लोगों का वो समूह था जो एक दूसरे के काम को साझा करने और विज्ञान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते थे। उन्होंने न्यूटन को अपने विचारों को साझा करने के लिए जरूर प्रोत्साहित किया, लेकिन तमाम लोकप्रियता के बावजूद उनकी लाइट और कलर थ्योरीज को अपनाने से इनकार कर दिया। दरअसल न्यूटन से पहले अरस्तु जैसे वैज्ञानिक इस बात को रखते आए थे कि रोशनी का कोई रंग नहीं होता है और सभी रंग लाइटनेस यानी कि सफेद और काले रंग से आते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना था कि इंद्रधनुष के रंग इंद्रधनुष के पानी से बनते हैं जो आकाश की किरणों को रंगीन करते हैं, लेकिन न्यूटन ने इस बात को एक सीरीज से खारिज कर दिया और लाइट और कलर की एक नई थ्योरी को विज्ञान जगत के सामने रखा। इसके लिए उन्हें कई आलोचनाओं से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि रॉबर्ट हुक ने न्यूटन की लाइट और कलर थ्योरी को खुली चुनौती भी दी। इस महान वैज्ञानिक को अपने काम की ऐसी आलोचना जरा सी भी रास नहीं आई, उन्हें खुद पर भरोसा रहा कि वे सही थे। ऐसे में उन्होंने बुद्धिजीवी लोगों से कटना शुरू कर दिया और अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए कई प्रयोगों को अंजाम दिया। उन्होंने खुद को डार्क रूम के भीतर बंद करके क्रिस्टल प्रिज्म से लाइट को डायरेक्ट किया, जिसके बाद लाइट 7 रंगों में बढ़ती नजर आई। कई वैज्ञानिक इस प्रयोग को जानते थे और उनका मानना था कि प्रिज्म खुद ही प्रकाश को इतने रंग में बांटता है, लेकिन जब न्यूटन ने इस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके दूसरे प्रिज्म से निकाला तो व्हाइट लाइट फॉर्म हुई, जिसने महान वैज्ञानिक की बात को साबित किया कि सफेद रोशनी असल में इंद्रधनुष के सभी रंगों का एक कॉम्बिनेशन थी। न्यूटन का एक अलग ही किस्म का व्यक्तित्व रहा है। इस महान वैज्ञानिक को आलोचना जरा सा भी गंवारा नहीं थी और यही वजह रही कि विज्ञान को जन्म देने वाले इस वैज्ञानिक ने खुद को सभी फिलोसोफर से अलग कर लिया और खुद को कट्टरपंथी धार्मिक और रसायन विज्ञान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। घर लौटने के बाद न्यूटन ने नेचर ऑफ लाइफ और केमिस्ट्री के समझने के लिए खुद को पूरी तरह से इसके अध्ययन में लगा दिया। इस अध्ययन ने न्यूटन के कई विचारों को आकार दिया और जिनमें से एक ग्रेविटी का नियम था। इस महान वैज्ञानिक ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। माँ की छोटी उम्र में छोड़े जाने से लेकर दोस्तों से मिले धोखे तक न्यूटन का व्यक्तिगत जीवन काफी अंधकार से भरा रहा है। साल 1687 में 18 महीने के गहन अध्ययन और प्रभावी रूप से नॉन स्टॉप काम करने के बाद न्यूटन ने फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की अपनी किताब को पब्लिश किया। इस किताब को आमतौर पर प्रिंसिपिया के नाम से जाना गया। यही वो किताब थी जिसने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन को दुनिया जगत के सामने उजागर किया। ये 3 नियम विज्ञान के हर सवाल का जवाब था। 3 लॉ ऑफ मोशन ने न केवल इलेक्ट्रिकल प्लेनेटरी ऑर्बिट को समझने में मदद की बल्कि ब्रह्मांड में चल रहे लगभग हर मोशन को समझने में लोगों की मदद की। इन नियमों ने बताया कि कैसे सूरज की ग्रेविटी से सभी ग्रह प्लेनेटरी ऑर्बिट में रहते हैं, कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और कैसे बृहस्पति के चंद्रमा उसके चारों ओर घूमते हैं। लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की सबसे बड़ी खोज थी और उनके दिमाग में उपज रहे सभी सवालों का जवाब था। इस नियम ने न्यूटन को सभी प्लेनेट के मास को कैलकुलेट करने में मदद की, साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे पृथ्वी पोल्स पर फ्लैट है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई। न्यूटन ने बताया कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से पृथ्वी पर टाइडल्स यानी कि ज्वार बनते हैं। उनका मानना था कि ग्रेविटी यूनिवर्स में सभी चीजों को बैलेंस रखने का काम करती है। भौतिक तौर पर खुद को हमेशा अध्ययन से जोड़कर रखने की वजह से एक समय ऐसा आया जब न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक को मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होना पड़ा। लगातार कई रातों और हफ्तों तक बिना रुके काम करने की वजह से उन्हें इस स्थिति से गुजरना पड़ा, लेकिन न्यूटन के नाजुक मानसिक स्वास्थ्य ने उनके काम में कोई बाधा नहीं आई। उन्होंने अपने अध्ययन और खोज की यात्रा जारी रखी। न्यूटन सफलता की राह पर जितने ऊपर गए उन्हें नीचे खींचने वाले कई वैज्ञानिक भी उनके साथ चल रहे थे। एक जर्मन फिलोसोफर गॉटफ्रिड लिबनीज ने उनकी कैलकुलस की थ्योरी पर आधारित अपनी एक नई कैलकुलस लेकर आए जिसे न्यूटन 20 साल पहले ही खोज चुके थे, और उनके विचारों को चुराकर गॉटफ्रिड लिबनीज एक नई थ्योरी पेश कर रहे थे, लेकिन दुविधा ये थी कि उन्होंने अपने इस काम को कभी पब्लिश नहीं किया था। ऐसे में दोनों वैज्ञानिकों के बीच कई सालों तक कैलकुलस की थ्योरी को लेकर विवाद रहा और इस बात पर दोनों के बीच कड़ी टक्कर रही कि असल में ये थ्योरी किसकी है। लेकिन 1713 में उनकी इस परेशानी का भी हल खोज लिया गया जब न्यूटन 20 साल पुराने अपने नोट की मदद से ये साबित करने में सफल रहे कि ये थ्योरी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। गॉटफ्रिड लिबनीज कोई पहले वैज्ञानिक नहीं थे जिन्होंने न्यूटन के कार्य और उनके व्यक्तित्व से चिढ़ थी, बल्कि रॉबर्ट हुक जैसे वैज्ञानिक भी न्यूटन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन इस वैज्ञानिक के लिए ऐसी आलोचनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। अपने जीवन काल में न्यूटन ने कई आविष्कारों को जन्म दिया। विज्ञान से लेकर राजनीति तक न्यूटन ने हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया और सफल भी रहे। उनका कहना था कि यदि मैं दूसरों की तुलना में खुद को आगे पाता हूं, तो ऐसा मैं महान दिग्गजों के कंधों के सहारे पर ही कर पाया हूं। सीधे शब्दों में कहे तो पहले महान वैज्ञानिकों के आविष्कारों के दम पर ही मैं ये आविष्कार कर पाया हूं। 193 आईक्यू वाले इस वैज्ञानिक ने मॉडर्न फिजिक्स को बनाया, लेकिन उनका मानना था कि विज्ञान जगत एक महासागर की तरह है जिसके बारे में हम केवल एक बूंद भी नहीं जानते हैं। 84 साल की उम्र में जब हमने इस महान मैथमेटिशियन को खोया तो हमने एक शानदार नेचुरल फिलोसोफर, भौतिक वैज्ञानिक और ज्योतिष को भी खोया, लेकिन उनकी मौत ने एक नए साइंटिफिक युग की शुरुआत की जिसमें वे हमेशा के लिए द ग्रेट लीजेंड सर आइजक न्यूटन के नाम से अमर हो गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपकी सर आइजक न्यूटन के बारे में क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।